गाइस भाई सारी बैटरियां गिर गई थी। तो गाइस क्या आप लोगों को भी आपके घर के पास वाली इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चार्जिंग मॉड्यूल नहीं मिलता है? नहीं सेम मेरे को भी नहीं मिलता है यार। तो गाइस इसका आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। हम लोग जो है इस बैटरी को जब हम लोग चार्ज पर ज़्यादा लगा देते हैं तो गाइस ये जो है ख़राब हो जाती है। तो गाइस इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं इस जो है प्रोजेक्ट से। तो गाइस इससे हम लोग जब इस जो है बैटरी को चार्ज पर लगाएंगे तो गाइस हमारी जो है बैटरी प्रोडक्ट रहेगी और कभी भी ये जो है बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो गाइस इसको कैसे बनाया उसको गाइस मैं आप लोग वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पाइप लिया है जो कि गाइस हमारी जो छत डलती है घरों की, तो गाइस उसमें जो है ये लाइट फिटिंग के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर जो एक बैटरी ले ली है तो गाइस इसकी जो मैं अभी आप लोगों को डायमेंशन बताता हूँ। तो गाइस लगभग इसकी जो मोटाई है वो लगभग 2 सेंटीमीटर है गाइस। उसके बाद जो इसकी लंबाई है वो गाइस 7 सेंटीमीटर है। तो गाइस हम लोग जो है 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मानकर एक जो अपने जो पाइप हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर एक जो है सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और गाइस उसके बाद हम लोग जो इस पर मार्किंग करने वाले हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर मार्किंग कर ली और गाइस ये जो है 7 सेंटीमीटर की लाइन है और गाइस ये भी 7 सेंटीमीटर की लाइन है और गाइस यहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर और सामने वाली भी इसकी जो है 2 सेंटीमीटर की लाइन है। तो गाइस चलिए अभी जो हम लोग इसको जल्दी से काटने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डायमेंशन और गाइस उसके बाद जो है मैं अपनी जो सोल्डरिंग आयरन है उससे इसको जो है कट करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी इसको जो है कट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो यहाँ पर जो पीस है वो कट कर अलग हो गया और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है बड़े आराम से यहाँ पर जो है कट गया। तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है 4 पीसेस मैंने सर्कल के काट लिए हैं। तो गाइस इसकी जो है आप लोगों को मैं डायमेंशन बताने वाला हूँ। तो गाइस ये जो है 2 पीस सेम है और गाइस ये वाले भी 2 पीस सेम है। तो अभी जो मैं आप लोग बताता हूँ इनका जो है क्या यूज है। तो गाइस ये जो है जो 2 बड़े पीसेस हैं वो गाइस कुछ इस तरीके से जो है हमारे पाइप के ऊपर की तरफ लग जाएंगे और गाइस 2 हमारे जो है छोटे पीसेस हैं वो गाइस कुछ इस तरीके से अंदर की ओर लग जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग को इनको अंदर की ओर लगा लेना है। लेकिन गाइस उससे पहले हम लोग को जो है इन पीसेस के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो एक छोटे पीस में होल कर लिया और गाइस उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कोई भी एक जो आप लोग को बोल्ट ले लेना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो इसको ले लिया। तो गाइस हम लोग को जो इसको लगा लेना है और गाइस उसके बाद जो अभी हम लोग जो इसके ऊपर एक वायर को लगाने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जो इस वायर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से छील लेंगे और गाइस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो एक होल किया जिसके अंदर हम लोग जो इस वायर को डाल देंगे अच्छे से। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग को जो इसको पास कर लेना है इस होल के तरफ से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से ये जो है पास हो जाएगा और गाइस उसके बाद हम लोग को जो इस वायर को इस बोल्ट में कुछ इस तरीके से लगा देना है जो है मोड़ कर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने दोनों वायर्स को पकड़ लिया एक तो और से और गाइस उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको जो है अच्छे से लगा लेना है। तो इसको जो है मैं जल्दी से अच्छे से लगा लेता हूँ और गाइस उसके बाद जो है अभी हम लोग को जो इसको यहाँ पर जो है वायर को थोड़ा सा नीचे की ओर खींचकर हम लोग को जो इसको अच्छे से फिक्स करना होगा जो है इस पाइप के ऊपर की ओर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग जो इसको फिक्स करने वाले हैं। तो गाइस ये तो जो अच्छे से यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा और गाइस उसके बाद हम लोग को जो इसके ऊपर इंस्टेंट ग्लू डालकर इसको जो एक जगह अच्छे से कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से हम लोग जो इसको सेट कर देंगे और गाइस उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर वायर को कुछ इस तरीके से हम लोग को पीछे की ओर से निकाल देना है और गाइस उसके बाद हम लोग को एक जो है पीस ले लेना है दूसरा वाला छोटा वाला और गाइस उसके बाद एक बोल्ट को लेकर हम लोग को एक छोटी सी स्प्रिंग को ले लेना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस तरीके की हम लोग को जो एक स्प्रिंग चाहिए होगी और गाइस उसके बाद हम लोग जो है इस बोल्ट को इसकी जो है अंदर से पास कर देंगे कुछ इस तरीके से और गाइस उसके बाद हम लोग को एक जो है कोई भी वायर लेकर इसके जो है पीछे की ओर अच्छे से कनेक्ट कर देनी है जैसे गाइस हम लोगों ने पिछले वाले पीस में की थी। तो गाइस मैं जो इसमें जल्दी से इस जो है वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसको हम लोग जो है इस पाइप में पीछे की ओर इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे और गाइस उसके बाद जो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है और गाइस उसके बाद हम लोगों ने जो पहले 2 पीसेस काटे थे बड़े वाले तो गाइस उनको हम लोगों को कुछ इस तरीके से इसको जो है ऊपर की ओर लगा देना है इंस्टेंट ग्लू की मदद से। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो इसको यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका देता हूँ जिससे गाइस इसकी जो है ऊपर की भी सो अच्छे से दिखने लगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो अच्छे से हम लोग जिसको लगा देते हैं यहाँ पर। तो गाइस इसके आगे करना कि आप लोगों को वो गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा लेकिन गाइस उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार क्या कर रहे हो। तो मैं जो यहाँ पर 2 मार्क लगा लेता हूँ और गाइस उसके बाद जो अभी हम लोग इसको जो सोल्डरिंग आयरन की मदद से अच्छे से होल कर लेंगे इसमें। तो गाइस हम लोग को छोटे छोटे होल कर लेंगे और गाइस होल हो जाने के बाद आप लोग को करना कि गाइस मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो एक LED ले लेंगे और गाइस उसको जो कुछ इस तरीके से हम लोग मोड़ लेंगे और गाइस 220 ओम के डिस्टेंस को लेकर हम लोग जो इसके माइनस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो आप लोगों को मार्किंग कर भी दिखा रहा हूँ। तो गाइस उसके बाद अभी हम लोगों ने जो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया था तो गाइस उसको हम लोग जो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर जो है माइनस माइनस और प्लस प्लस के जो पॉइंट है उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप
लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस मैंने यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा वायर्स भी निकाल दिए हैं, रेड से रेड और जो है यहाँ पर पर्पल से पर्पल कलर की वायर को यहाँ पर जो है मैंने निकाल दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है दोनों एक्स्ट्रा वायर्स को मैंने अच्छे से निकाल दिया। और गाइस उसके बाद अभी हम लोग को जो है कुछ इस तरीके से पहले वाले होल में इस एलईडी को फिक्स कर लेना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से हम लोग को जो इस एलईडी को फिक्स करना है इंस्टेंट ग्लू की मदद से। और गाइस उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा वायर्स निकले हैं तो गाइस इनको भी हम लोग को यूज में लेना है। गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या यूज लेना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो एक एलई 3500 चार्जिंग ले लिया, जो कि गाइस आप लोग को मार्केट में 5 रुपए की इजीली मिल जाएगी। तो गाइस हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले पीस काटा था सर्कल बड़ा वाला, उसमें जो है एक होल करके जो है एलई 3500 चार्जिंग को लगा लेंगे। तो गाइस जल्दी से इसको जो हम लोग इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। तो इसको जो अच्छे से हम लोग को टाइटली फिक्स करना है, जिससे गाइस हम लोग को जो इसके ऊपर स्ट्रेट ग्लू डालने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एकदम फिक्स आया है ये इसके अंदर। गाइस उसके बाद जो इसके कनेक्शन भी अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। और गाइस उसके बाद मैंने यहाँ पर जो एक एलईडी को ले लिया, जिसकी गाइस आप लोग माइनस प्लस के पॉइंट दिख रहे हैं। तो गाइस 220 के हम लोग को जो है ओम रेजिस्टेंस को हम लोग को यहाँ पर जो है माइनस के पॉइंट पर सोल्डर कर लेना है। और गाइस उसके बाद जो सीधा हम लोग को चार्जिंग के माइनस प्लस के पॉइंट पर इसको लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस इसके बाद हम लोग को चाहिए होगी आयन 4W7 की 3 ड्राइवर, जिनको गाइस हम लोग को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो गाइस इसका जो सिल्वर वाला पॉइंट होता है वो गाइस प्लस होता है, और गाइस जो ब्लैक वाला पॉइंट होता है वो गाइस माइनस होता है। तो गाइस हम लोग कुछ इस तरीके से इनको जो है कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है कनेक्ट हो गए हैं। और गाइस उसके बाद जो हम लोग को जो ब्लैक वाला पॉइंट है उसको गाइस सीधा हम लोग को जो चार्जिंग का जो प्लस वाला पॉइंट है उससे कनेक्ट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से हम लोग जो इसको कनेक्ट कर देंगे। और गाइस उसके बाद जो सिल्वर वाला पॉइंट होता है उसको गाइस बाहर की ओर हम लोग को रख देना है। तो गाइस इतने कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग को जो हम लोगों ने पहले प्रोजेक्ट बनाया था तो गाइस उसको ले लेना है। और गाइस इसके जो है वायर्स को हम लोग कनेक्ट करना है। तो गाइस आप लोग को मैं डायग्राम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो गाइस आप लोग इधर कहीं पर शो हो जाएगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस इसके जो वायर्स को मैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग जो है वीडियो को पॉज कर जो है उस डायग्राम को देख सकते हैं। और गाइस उसके बाद अभी हमारे जो है कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइस एलईडी फिक्स करने के बाद हम लोग जो है जो पीछे वाला पीस है इसको गाइस इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। तो गाइस हमारे जो है कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और गाइस हमारे जो है प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया है। तो गाइस इसकी जो है जल्दी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो है सीधा चार्जर लगा लिया। और गाइस उसके बाद जो है अभी हम लोग आप लोग को दिखाने वाले हैं कि इसके जो है सीधे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो अप्रॉक्स 5.34 वोल्टेज यहाँ पर जो है आ रहे हैं इसके। तो गाइस अभी जो है हम लोग अपना प्रोजेक्ट यूज करने वाले हैं और गाइस उसके जो है वोल्टेज को देखने वाले हैं कि ये जो है कितने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो गाइस अभी जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है चार्जर को लगा लेते हैं। और गाइस जो है दोनों एलईडी ब्लिंक हो चुकी है यहाँ पर। तो गाइस उसके बाद जो अभी हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि इसके जो कितने वोल्टेज आ रहे हैं। गाइस मैंने यहाँ पर जो है मल्टीमीटर को रख लिया। और गाइस उसके बाद जो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके जो कितने वोल्टेज ये जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं इसके वायर्स को लगाता हूँ। और गाइस उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है यहाँ पर 3.8990 अप्रॉक्स ये जो है बता रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 88 या 89 जो यहाँ पर दिखा रहा है। तो गाइस अभी हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो गई हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है अप्रॉक्स 3.52 यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस अभी जो हम लोग इसको चार्जिंग पर लगाने वाले हैं और गाइस देखने वाले हैं कि ये जो है वर्क करता है या फिर नहीं। तो गाइस हमारी जो है एलईडी ब्लिंक हो चुकी है, मतलब हमारी जो बैटरी है वो अच्छे से लग चुकी है। तो गाइस अभी जो इसके चार्जर को लगाते हैं जल्दी से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने चार्जर को लगा दिया और गाइस दोनों एलईडी ब्लिंक हो गई है, मतलब हमारी जो है जो बैटरी है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। तो गाइस आप लोग जो इसको हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं चार्ज होने के लिए। तो गाइस इसको जो है मैंने लगभग 5 से 10 मिनट छोड़ दिया था चार्ज होने के लिए। और गाइस उसके बाद जो अभी मैं यहाँ पर इसको जो है निकाल लेता हूँ। और गाइस उसके बाद अभी हम लोग जो इसके वोल्टेज को चेक करने वाले हैं इसके जो है वोल्टेज को इंक्रीज हुए हैं या फिर नहीं। तो गाइस जल्दी से अभी हम लोग जो इसको मल्टीमीटर की मदद से देख लेते हैं। तो गाइस मल्टीमीटर को हम लोग यहाँ पर जो है जल्दी से लगा लेते हैं। और गाइस उसके बाद जो हमारी बैटरी के जो पहले वोल्टेज थे वो गाइस से 3.52 अप्रॉक्स, तो गाइस अभी जो है देखते हैं बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। तो गाइस लगा लेते हैं इसको जल्दी से और गाइस उसके बाद जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए अभी जो इसके वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। और गाइस आप लोग देख सकते हैं पर जो है 5.8 हो चुकी है, तो मतलब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो गाइस ये जो है आप अगर आप लोग इसको जो है रात भर भी चार्ज होने के लिए छोड़ देंगे तो गाइस इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हमारे जो है जो प्रोजेक्ट था कितना ऑलरेडी वर्क कर रहा था। तो गाइस आप लोग जो इसको घर पर इजीली बना सकते हैं। और गाइस आप लोग जो है अपनी इन जो है सभी बैटरियों को सेफ रख सकते हैं, प्रोडक्ट रख सकते हैं, ये जो है कभी खराब नहीं होंगी इससे अगर आप लोग इसको चार्ज करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस नीचे लाल बटन आ रहा है उसको दबाकर ग्रे कर दो यार। तो गाइस आप लोगों को भी जितना अगर पेटीएम कैश तो गाइस आप लोगों को नीचे लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, नहीं तो गाइस आप लोग को आई रिटर्न में अगर लगता होगा तो मैं लगा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है तो गाइस आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। हमारा ही ग्रुप है तो गाइस आप लोग को जो है उसमें पेटीएम कैश रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा, तो गाइस आप लोग जो है इसको जीत सकते हैं बड़े आसानी से। तो गाइस आप लोग करना क्या है, सिर्फ हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और हमारी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखना है। तो गाइस आज की वीडियो नहीं मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गुड बाय। We'll be right back.